सौर ज्वालाएं उठने लगी हैं, अगले 6 साल इस धरती पर काम करने वाली हर प्रकार की ऊर्जा में एक एक्स्ट्रा उछाल रहेगा। जब भी ये सौर ज्वालाएं उठती हैं, तो युद्ध होते हैं, विनाशकारी घटनाएं होती हैं। कम से कम समाज के कुछ हिस्से ऊपर उठ सकते हैं। सूर्य से उठने वाली सौर ज्वालाओं में काफी उछाल आया है और ये और भी बढ़ रही हैं। ये शायद लगभग 17-18 महीने पहले शुरू हुआ। जब भी ये सौर ज्वालाएं बढ़ती हैं, तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर इसका अच्छा खासा असर होता है। और जिस तरह के रेडिएशन होते हैं, कई सारी चीजें हैं, मैं इसके विज्ञान में नहीं जाना चाहता, पर इसका बड़ा असर होता है सभी ग्रहों पर। हमें पृथ्वी से मतलब है। कुछ लोग जो मंगल ग्रह से आए हैं, उनकी अपनी खुद की समस्याएं हैं, पर धरती पर इसका खासा प्रभाव होता है, हर जीवन पर होता है। पर ऐसा है कि आज हम दुनिया में ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जब तक आप नहीं मानते, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, जब तक आप नहीं मानते कि आप समझते हैं, जब तक आप नहीं मानते कि आप समझते हैं, आप कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकते। ये बड़ी पंगू करने वाली स्थिति है, पर दुर्भाग्य से आज लोग ऐसे हो गए हैं। जब मैं कहता हूं आप मानते हैं कि आप समझते हैं, क्या आप सच में समझते हैं? ये धरती कैसे घूमती है, कैसे सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और कैसे ये सब हो रहा है, और इसका शरीर पर क्या असर है, कैसे आप जी रहे हैं, कैसे आपकी सांस चल रही है, क्या सच में आप समझते हैं? पर ये सब आपने 6वीं क्लास की किताब में पढ़ लिया। आप टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट हैं और आपको सब कुछ पता है ना? आप सब जानते हैं। तो असल में शायद कुछ ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिकों को छोड़कर बाकी सबके लिए विज्ञान धर्म की तरह है। वो बस मानते हैं किसी एक किताब में जो लिखा है, अगर आप उसे मानते हैं तो आप धार्मिक बन जाते हैं, और कई किताबों में जो लिखा है, अगर आप उसे मानते हैं तब आप वैज्ञानिक बन जाते हैं। बहुत ही कम लोग सच्चे वैज्ञानिक हैं जो वाकई में खोज कर रहे हैं। तो अधिकांश लोगों के लिए, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, विज्ञान आमतौर पर धर्म की तरह है। अंतर बस ये है, विज्ञान में आप हर 2 साल में अपनी राय बदल सकते हैं, धर्म में अगर आपने बदल दी आप सूली पर लटकेंगे। इसे छोड़कर यह वही बिलीफ सिस्टम है। तो ये सौर ज्वालाएं उठ रही हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर इसका गहरा असर होता है, ये सबको पता है। मैं ये जानता हूं क्योंकि मेरे सिस्टम में ये हो रहा है, और मैं देख सकता हूं कैसे ये दूसरों के सिस्टम में हो रहा है। पाचन तंत्र, सांस की प्रक्रिया, आपकी पचाने की क्षमता, आप में सांस लेने की क्षमता और आवश्यक तत्वों को सोखने की क्षमता, सब कुछ सौर ज्वालाओं से प्रभावित होता है। तो जब यह शुरू हुआ, जब ये सौर ज्वालाओं की शुरुआत हुई, और मैंने अपने सिस्टम में कुछ खास चीजें महसूस की, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह महसूस होता है। तब उन्होंने बताया कि सौर ज्वालाएं उतनी शुरू हो गई हैं और अगले 6 साल ये बहुत तीव्र रहेंगी, उस तरह की तीव्रता जो हमने कम से कम अपने जीवन काल में तो नहीं देखी है। तो अब ये सोलर गतिविधि, एक बात तो ये कि भारतीय परंपराओं और शास्त्रों और दूसरी चीजों में, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जानता हूं कि ऐसा कहा गया है कि जब सौर गतिविधि इस तरह बढ़ती है,
तो बड़ी संख्या में मौत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, युद्ध हो सकते हैं, मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है, इंसानों के जीवन में बहुत उथल पुथल हो सकती है और जानवरों के जीवन में भी हो सकती है, धरती के हर जीवन में, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम, पाचन क्रिया, फेफड़ों को, हर चीज को प्रभावित करता है। अब क्या यह हमें नुकसान कर रही है? ना ना, यह बस कुछ ऐसा है। मान लीजिए अभी हवा इस तरह बह रही है, मान लीजिए हवा इस दिशा में बह रही है, चलेगा ना? अगर उस दिशा से बहे तो ठीक है। अब आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, यह वाकई एक दिक्कत होगी। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हवा जोर से चल रही हो। या मान लीजिए आप उड़ना चाहते हैं, आप उड़ना चाहते हैं और हवा इस तरह बह रही है, अगर आप हवा में जाएं तो बिना ज्यादा प्रयास के, बिना ज्यादा ईंधन के आप यूं ही उड़ जाएंगे। पर अगर आप उसके साथ जाने की कोशिश करें तो आपका हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा, या आपका ग्लाइडर, जो भी आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हवा उसके लिए वरदान है जो उसका उपयोग करना जानता है, और उसके लिए एक शाप की तरह जो उसका उपयोग करना नहीं जानता। यह ब्रह्मांड में हर ताकत के लिए सच है। तो सौर ज्वालाएं भी ऐसी ही हैं। वैसे मैंने भविष्यवाणी नहीं की कि कोई महामारी जैसी चीज होगी, पर मैं जानता था कि कुछ तो होगा, क्योंकि मैं ये चीजें विचारों से समझने की कोशिश नहीं करता। मैं चीजें बस वैसे देखता हूं जैसी वो हैं। मैं जानता था कि लोगों के साथ कुछ होगा जो अच्छा नहीं है। तो फरवरी के महीने में हमने मृत्यु किताब निकाली। 8 साल इस पर काम चलता रहा, और जो लोग इस पर काम कर रहे थे वो इसे परफेक्ट चाहते थे। मृत्यु ऐसी है, वो इस पर काम करते रहे, करते रहे, काम करते रहे। ये वापस मेरे पास आई, मैंने इस पर काम किया, उनको वापस भेजा, फिर से वो आ गए, एक और सवाल, पीछे आगे। ये 8 साल तक चलता रहा। फिर मैंने डेडलाइन दी कि इसे जनवरी 2020 के अंत तक पूरा करना ही है, और फरवरी में हमने इसे पब्लिश कर दिया। भारत में कई लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आपको पता था? मैं तो इस वायरस को कहीं से लेकर नहीं आया, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैंने बता दिया होता कि आ रहा है। मैं नहीं जानता था, मैं बस जानता था कि कुछ ठीक नहीं है, लोग किसी उथल पुथल से गुजरेंगे। तो हमने मृत्यु पुस्तक रिलीज की, और मार्च तक लोग हर जगह मर रहे थे। सच में दुनिया के हर कोने में 2020 का मार्च अप्रैल आपको याद है? तो ये सौर ज्वालाएं शायद लगभग 17 महीने पहले शुरू हुई, और इनकी तीव्रता बढ़ गई है। ये शायद और 4.5 साल तक चलता रहेगा। इस दौरान क्या इंसान अपने ऊपर त्रासदी ले आएंगे, या फिर वो अपने लिए अनुभूति और रूपांतरण लेकर आएंगे, ये इंसानों के हाथ में है। इसलिए कॉन्शियस प्लैनेट एक अभियान के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये, अगर आप जागरूक हैं तो ये एक बेहतरीन समय है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप समझें कि गर्मियों में ही ऐसा होता है, जब सूर्य बहुत गर्म होता है सारे पौधे एकदम खिल उठते हैं। वो जानते हैं कि सन की एनर्जी कैसे यूज की जाए। आप कहते हैं अरे बहुत गर्मी है, वैसे ठंड में भी आप शिकायत ही कर रहे थे, पर अब कुछ नया है। हर मौसम आपको शिकायत के लिए कुछ नया देता है, चाहे ये जलवायु का मौसम हो या आपके जीवन का मौसम। आप हमेशा कोई शिकायत करते रहते हैं, क्योंकि आप उसकी सवारी करना नहीं सीखते। तो ये सौर ज्वालाएं
एक आध्यात्मिक साधक के लिए जो अपनी ऊर्जा रूपांतरित करना चाहता है, ये वो समय है जब सब कुछ बड़े अच्छे से पक रहा है। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सभी प्राण प्रतिष्ठाएं, सारे कॉन्सेक्रेशन जो मैं करना चाहता हूं, मैं उन्हें इन अगले 4.5 सालों में पूरा कर लूं, क्योंकि खुद सूर्य मेरे साथ है। शायद ये 100% नहीं है, पर बहुत संभव है। इस बारे में मैं 80% सही हूं। ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, शायद 2023 के मध्य से 2024 के मध्य तक ये 12 महीने या कम से कम 9 महीने ये गतिविधि अपने चरम पर होगी। तो इस दौरान क्या हम दुनिया में अनुभूति लेकर आएंगे, या फिर दुनिया में आपदा, या फिर देश एक दूसरे पर मिसाइल छोड़ने लगेंगे, मैं नहीं जानता। मैं कुछ बहुत ही पॉजिटिव और अद्भुत होते हुए देखना चाहूंगा, पर मैं बस एक आदमी हूं। क्या मैं बस एक आदमी हूं? फिर आप चुप क्यों बैठे हैं? मैं बस एक आदमी हूं। भारत में पुराने समय में कुछ योगियों को सहस्रांग कहकर बयां किया जाता था, मतलब ऐसे योगी जिनके 1,000 हाथ होते थे। क्या मेरे हैं? सिर्फ 1,000? अरे, आपने कहा आपके पास सेना है। मैंने वो शब्द सुना, आर्मी आदेश लेती है, जो भी हो। यस सर। खैर, मुझे आपसे यस सर नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि आप होश में आए, क्योंकि ये अगले कुछ साल इस धरती पर तीव्रता का समय होने वाला है। क्या हम तीव्रता का उपयोग रूपांतरण, आत्मानुभूति के लिए करेंगे, या फिर हम एक दूसरे पर वार करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे के साथ कुछ भयानक चीज करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में एक उत्तेजना हो रही है। अगर हमारे पास संतुलन नहीं है तो हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। हम इस स्थिति में हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे। और आज हमारे पास ये दिखाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन है कि ये बीते समय में सौर ज्वालाएं योग संस्कृति में अंकित की जाती रही हैं। जब भी सौर ज्वालाएं एक खास तीव्रता तक बढ़ी हैं, ये हर समय होती हैं, पर कुछ खास समयों पर। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई एक निर्धारित टाइम टेबल है। ये किन्हीं कारणों से हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने यह पता लगाया है कि यह क्यों होता है और किस समय पर होता है, क्योंकि ये साइकिल शायद लाखों साल की हो सकती है। यहां कोई इन्हें देखने के लिए नहीं है कि क्यों एक खास समय पर यह होता है। हमारे ऑब्जर्वेशन कुछ 100 सालों के हैं, तो सच में हम यह नहीं जानते। पर जब भी ये सौर ज्वालाएं उठी, उस संस्कृति में महान योगी उभर कर आए, पर साथ ही साथ युद्ध हुए, विनाशकारी घटनाएं हुई, कभी भूकंप आए, क्योंकि धरती की मैग्नेटिक शक्ति और धरती के एकदम भीतर की थर्मल शक्तियां, सब कुछ इन सौर ज्वालाओं से प्रभावित होता है। तो अगर एक ज्वालामुखी फटता है और आप दूर से उस ज्वालामुखी को पूरा फटते हुए देख रहे हैं, अरे वाह, कितना बढ़िया व्यू होगा, आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे, है ना? सिर्फ तब जब आप तलहटी में हैं और उस बहते हुए लावा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तब ये अच्छी चीज नहीं है। तो दुनिया में हर शक्ति इसी तरह है। तो जब इस तरह का कुछ हो रहा है, तो इस धरती के लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने आप को सही स्थिति में ले आएं, ताकि ये एक्स्ट्रा फोर्स जो अभी इस धरती पर काम कर रहा है,
वो हमारे फायदे के लिए काम करें। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं तो दर्द होगा, मौतें होंगी, समस्याएं होंगी। कम से कम अगर हम सारी दुनिया को न भी बदल पाए, यह भी असंभव नहीं होना चाहिए आज के कम्युनिकेशन के हिसाब से, क्योंकि आज से पहले कभी भी हम इतने लोगों के साथ संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी और सौर ज्वालाओं को यूज करके हम अगले 4.5 सालों को इंसानों के लिए जबरदस्त समय बना सकते हैं। पर अगर हम नहीं करते तो कम से कम समाज के कुछ हिस्से, पॉपुलेशन के कुछ हिस्से तो ऊपर उठ सकते हैं। जो इसे यूज नहीं करेंगे, पता नहीं उनके लिए कैसा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भयानक आपदा आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा या बाढ़ आ जाएगी, जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। पर इस धरती पर काम करने वाली सभी ऊर्जाओं में एक अतिरिक्त उछाल होगा, धरती का मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर रेडिएशन, और धरती के पीछे जो मैग्नेटिक पूंछ है, और चंद्रमा का धरती से संबंध, और कैसे सौर ज्वालाओं की ऊर्जा चंद्रमा से होकर धरती पर आएगी और क्या करती है, इन सब चीजों में एक प्रकार की उत्तेजना रहेगी। जब यह एक्स्ट्रा उछाल होता है, जैसे अभी एक दिन मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, अब इन दिनों ये सब मॉडर्न मोटरसाइकिलें हैं, नहीं तो जब मैं चलाता था तो एक ही मोड होता था, मेरा मोड। आज कई सारे मोड हैं, ऑफ रोड मोड, रेन मोड, टूरिंग और स्पोर्ट। मैं जो भी चलाता हूं हमेशा स्पोर्ट मोड में रखता हूं, क्योंकि मुझे पूरी पावर चाहिए। तो जब मैं चलाता हूं भारत में और यहां भी, उस दिन मैं चला रहा था और पीछे वाला पहिया थोड़ा डगमगा रहा था, क्योंकि यह हाई पावर मोटरसाइकिल है। अगर आप इसे रेन मोड में रखें तो यह थोड़ा कम हो जाएगा, यह इस हद तक है, यह लगभग 160 bhp है, जो कि एक टू व्हीलर के लिए बहुत है। पर अगर आप इसे रेन मोड में रखें तो यह 90 bhp हो जाएगा, तो चलाना सेफ हो जाएगा। पर आप जानते हैं मैं सेफ वाला नहीं हूं, मैं सेफ मोड में बोरियत से मर जाऊंगा, तो मैं इसे स्पोर्ट मोड में रखकर बारिश में चलाता हूं। थोड़ा फनी है, पीछे का पहिया थोड़ा, पर जब एक्स्ट्रा पावर हो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बिना जरूरी पावर के नहीं हो सकती, है ना। तो अभी ये ऐसी ही सिचुएशन है, धरती पर सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है और अगले 1-2 साल में ये और बढ़ने वाला है। जब ऐसा होगा तो हम या तो ध्वस्त हो सकते हैं या ऊपर उठ सकते हैं। ये मेरी इच्छा है कि हर कोई ऊपर उठे। जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ताकि मानवता ऊपर उठे, क्योंकि जिस तरह की ऊर्जा भी है उसे खुद से पैदा करना बहुत मुश्किल है, और पूरी धरती पर इसका असर है। अगर आप एवोल्यूशन चाह रहे हैं तो इसे धीरे धीरे किया जा सकता है। हम एवोल्यूशन नहीं चाह रहे, हम देख रहे हैं कि आपको रूपांतरित कैसे किया जाए। अगर आपको अपनी खुद की ऊर्जा हासिल करनी हो तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। कुछ खास समय ऐसे हैं जब ये अपनी चरम तीव्रता पर हो। यह उस तरह की ऊर्जा है जिसे खुद से पैदा करना बहुत मुश्किल है, और पूरी धरती पर इसका असर है। मध्य 2023 से मध्य 2024 ये एक बेहतरीन समय है